नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पौधा देख रहे हैं इसका नाम है अगेब। अगेब प्लांट के रूप में यह जाना जाता है और ये बहुत ही रफ्ड अप प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। आप इसे ज़रूर लगाएं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। इसमें कांटे होते हैं तो बच्चों से और पालतू जानवर से थोड़ी दूरी बनाकर इस पौधे को रखें। इसे लगाना बहुत आसान है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है और इसके बहुत सारे वैराइटीज उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं आज अगेब प्लांट के बारे में। तो इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट करें। तो ये अगेब प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसे लगाने के लिए कम से कम छोटा प्लांट हो तो 6-7 इंच का पॉट लें। अगर पौधा जब बड़ा हो जाए तो 10 इंच के पॉट में ये कई वर्षों तक आसानी से बना रहता है। इस पौधे में ग्रोथ काफ़ी स्लो देखा जाता है, बहुत ही स्लो ग्रोथ इसमें होता है, इसलिए एक ही पॉट में ये कई वर्ष तक बना रह सकता है। जो भी पॉट का चुनाव करें तो उसमें देख लें कि 2-3 छेद ज़रूर बने हों, ताकि पौधे में जब पानी डाला जाए तो अनावश्यक पानी बाहर निकल जाए। कहने का मतलब है कि पॉट में पानी जमा ना हो, जिससे जड़ खराब हो जाएगा और पौधे मर जाएंगे। मिट्टी, चूँकि यह एक तरह का डिजर्ट प्लांट है, तो मिट्टी हमेशा रेतीली या कंकरीली मिट्टी जो हो वही लें। तो अगर आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है, बलवाही मिट्टी नहीं है, तो नॉर्मल मिट्टी में एक भाग बालू मिला लें और उसमें 1-2 मुट्ठी, गमला के हिसाब से, छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी और बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी गोबर खाद या केचुआ खाद ज़रूर मिलाएं। साथ ही 1 मुट्ठी नीम खली भी मिलाएं तो पौधा उसमें बेहतर चलेगा। पानी इसमें बहुत कम देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले ही बताया कि एक तरह का यह डिजर्ट प्लांट है, तो मरुस्थल या मरुभूमि में लगने वाला यह प्लांट है, तो इसमें पानी बहुत कम देने की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 3-4 दिनों में पानी डालें और जारा हो तो जारा में मिट्टी देखने के बाद जब सूखी हुई नज़र आए तो 10 दिनों में या 12 दिनों में आप पानी डाल सकते हैं। बरसात में इसमें पानी डालने की, अगर खुले में रखा है तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें खाद, चूँकि फल और फूल नहीं आते, फ्रूटिंग प्लांट नहीं है, फ्लावर प्लांट भी नहीं है, तो इसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप 6 महीना में लिक्विड खाद भी, जो होममेड खाद है, उसे भी डालेंगे तो इसके लिए काफ़ी है। अभी पूरी दुनिया में इसके करीब 200 वैराइटीज पाए गए हैं। 200 वैराइटीज में बहुत सारी वैराइटीज भारत में भी उपलब्ध है, जो नर्सरी में भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में ये वेरिएशन पत्तियों में जो वाइट लाइंस बने हुए हैं तो वेरीगेटेड है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन वैराइटीज भी है, येलो भी है, बहुत तरह का है, कलरफुल भी लीफ वाली इसके ये प्लांट आ गए हैं। तो आपको जो पसंद हो, जो मिल जाए आसानी से या ऑनलाइन, तो आप इसे ले सकते हैं। तो अगेब प्लांट आप ज़रूर लगाएं। इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है और खाद भी
बहुत ही कम चाहिए। मिट्टी तो बता ही दिया, यह रफ टॉप प्लांट है। एक बात जरूर ध्यान रखें कि इसके कांटे बहुत ही तीखे नुकीले होते हैं और अब बच्चों को और पेट को ज़रूर इससे बचा कर रखें, इसलिए कि चुभने पर एक घाव भी हो सकते हैं। जब आप इस पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में वैसी जगह लगाएं जहां दिन भर की धूप आती हो। दिन भर की धूप में आने मिलने पर इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो आप दिन भर जहां धूप आती हो वैसी जगह लगाएं। लेकिन जब गमला में लगाना हो तो सेमी शेड इसके लिए बढ़िया होता है, सेमी शेड में लगाएं। तो जब धूप में लगाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें धूप मिलेगा इसके कांटे और भी नुकीले और तीखे हो जाएंगे, तो ये सावधानी ज़रूर बरतें। अक्सर यह गार्डन में बहुत जगह लगा हुआ दिखता है, तो ये विदेशों में इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। एक बात इससे पहले ये कर लेते हैं कि इस पौधे को कैसे लगाएं। तो जब आप नया पौधा लेकर आते हैं तो उसी में से कुछ एक साल डेढ़ साल के बाद आप देखेंगे बहुत सारे नीचे से पप्स निकल आते हैं, तो उस पप्स को सावधानी से अलग कर लें, जड़ सहित निकाल लें और उससे उसी पप्स को छोटे जो प्लांट हैं बेबी प्लांट, उस बेबी प्लांट को किसी दूसरे पॉट में लगा देंगे तो एक नया पौधा आपका एक नया गमला तैयार हो जाएगा। तो ये जनरली यह पप से ही लगता है, बेबी प्लांट से ही लगता है और बेबी प्लांट इस पौधे में अक्सर निकलते रहते हैं। तो बहुत ही ये रफ टॉप प्लांट है, इसमें देखने में बहुत आकर्षक होता है, एक कांटेदार ग्लोब की तरह हो जाता है, आप देख रहे हैं वीडियो में, एक बहुत ही आकर्षक है। तो आप इसे वैसी जगह प्लेस करें जहां छोटे बच्चे या पालतू जानवर आपके नहीं जा पाते हैं। अब इसके उपयोग की बात कर लें तो इस यह हालांकि जहरीला पौधा है, लेकिन इस पौधे से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं, साथ ही इसकी पत्तियों से कई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो आप जब गूगल सर्च करेंगे तो ये सारा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है, हालांकि भारत में इसके उपयोग कम होते हैं और विदेशों में तो देखा गया है कि अगेब को भोजन के रूप में भी खाने में भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि यह जहरीला है तो इसे खाएं नहीं, जो लोग खा रहे हैं विदेशों में तो वो जानते हैं कि कैसे इसका उपयोग करना है। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, आप इसे ज़रूर लगाएं, देखने में बहुत आकर्षक लगता है, इसके बहुत सारी वैरायटी है बाज़ार में, बहुत ही आकर्षक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, आप सबका दिन शुभ हो।